हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं सबसे प्यारे फूल जरबेरा की सीड कैसे आप कलेक्ट करें उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ये देखिए, इसमें मेरे इस दोनों प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, जिसकी की फ्लावरिंग मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ। और अब देखिए, फिर से मैंने उनकी जो पुराने फ्लावर्स थे उनको कट कर दिए। ये देखिए, ये देखिए, ये कट कर दिया है, इसमें ये कट कर दिया है, ये। और अब ये देखिए, न्यू कलियाँ निकल रही हैं। ये देखिए, ये न्यू नई कली, ये देखिए, आपको मैं फोकस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, और इसमें भी देखिए बन रही है, इसमें भी बन रही है, ये देखिए, ये। तो इसके जो पुराने फ्लावर्स थे उनको मैंने ये देखिए कट कर दिया है। ये देखिए, ये रेड कलर वाला है और ये येलो कलर वाला है, ये। तो ये जो फ्लावर्स हैं, आपने जो हमारे स्पेंड फ्लावर्स, इनको हम डेड हेडिंग कहते हैं, जब हम इनको काट देते हैं तो इसी में इनके सीड होते हैं। ये देखिए, इसको साए में सुखा लीजिए, रुई जैसा जो है आपको ये दिख रहा है, ये यही इसके सीड हैं। ये देखिए, रुई जैसा किनारे और बीच में दाना है इसका, ग्रेन्यूल जैसा, वही इसका सीड है। आप इस तरह से जो आपके फ्लावर्स सूख जाएं बिल्कुल, उनको सुखा के, अरे कट कर दीजिए और उनको छाए में सुखा कर, और यही इनके जो रुई जैसे सीड हैं, इनको आप जो है किसी एयर टाइट पॉलीथीन पैकेट में पैक करके रख दें। नेक्स्ट ईयर आप इनको जैसे ही बरसात ख़त्म हो सितंबर में इनकी सीडलिंग कर दें, तो आपको नए पौधे तुरंत मिल जाएंगे और इजीली अपने घर के उगाए हुए। और जो है, इसके प्लांट्स बहुत महंगे मिलते हैं, ये मेरे 150-150 का बता रहा था, बहुत बार्गेनिंग के बाद 130-130 का 260 की मैं लाई थी। पिछली बार भी मैंने सीड रखा था, लेकिन फिर सफाई फाई में दीपावली के जाने कहाँ खो गया और मुझे मिला नहीं। और अब की मैंने फैसला किया है कि इनको मैं, और जहाँ तक हो जो पहला फूल आपके प्लांट में आए, पहला फूल क्योंकि ज़्यादा हेल्दी होता है, पहला फूल आए उसी को आप जो है सुखा कर रखें, उसका सीड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने जानकारी के अनुसार आपसे शेयर किया। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।